इंडिया के खिलाफ करारी हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कही पिच को लेकर ऐसी घटिया बात, जिसको देखकर भड़क गए सारे दिग्गज और दिया मुंह तोड़ जवाब केविन पीटरसन और गौतम गंभीर ने। क्या कहा उन्होंने बताते हैं आपको इस वीडियो में। उससे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप भी एक इंडियन फैन है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप सभी को बता दें इंडिया इंग्लैंड के मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग डिसाइड की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, जहाँ पर इंडिया को उन्होंने 230 रन पर रोक तो लिया, जहाँ पर 87 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी रोहित शर्मा ने और 49 रन की पारी खेली थी सूर्यकुमार यादव ने, जिसकी वजह से इतना टारगेट बना पाई इंडिया टीम, अदरवाइज 150 पर ही रुक जाती। वहीं पर इसको चेस करते हुए 129 रन पर रोक दिया इंडियन महत्वपूर्ण गेंदबाजों ने, जहां पर मोहम्मद शामी ने 4 विकेट निकाले और साथ ही जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट और कुलदीप के 2 विकेट और साथ ही रविंद्र जडेजा का 1 विकेट, उसकी वजह से आसानी से इस मुकाबले को जीत गई। वहीं पर मैच खत्म होने के बाद मैन ऑफ द मैच मिला यहाँ पर रोहित शर्मा को, और वहीं पर जॉस बटलर से जब बातचीत हुई, जॉस बटलर ने कहा कि हम लोगों ने टॉस जीतकर बॉलिंग डिसाइड इस वजह से की थी कि सोचा था कि इंडिया को 250 के अंदर रोक देंगे और फिर आराम से मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से पिच काम कर रही थी वो सेकंड इनिंग में सडनली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर पहली इनिंग में खराब शॉट मारकर इंडियन बैट्समैन आउट हुए, ज्यादा स्पिन बॉल हो भी नहीं रही थी, लेकिन सेकंड इनिंग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पिच इनिंग में ऐसे कौन से रोलर चलाए गए जिसकी वजह से पिच पर 1.5 फुट की स्विंग होने लगी बॉल और साथ ही स्पिन भी काफी ज्यादा होने लगी, इस वजह से हम लोग सीधी बॉल भी नहीं खेल पाए जो काफी ज्यादा टर्न कर रही थी। उसी का जवाब देते हुए केविन पीटरसन ने बताया कि जब आप अच्छी टीम से के सामने खेलते हैं तो आपको अपना बेहतर देना पड़ता है। जहां पर बात करें पिच की, तो पिच तो स्पिन मिलनी ही थी जब आप इंडिया खेलने जा रहे हैं, तो आपको अपनी टीम ही ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए उसमें स्पिनर अच्छी बेहतरीन होनी चाहिए। वहीं पर इंग्लैंड टीम की बैटिंग जो रही है वो पूरी तरीके से फेल रही, जहां पर इंडियन स्पिनरों को वो सीधा भी नहीं खेल पा रहे थे, तो इस वजह से बेसबॉल क्रिकेट को जो एक्सेप्ट किया है पिछले 5-6 सालों से अब वो डाउनफॉल की तरफ आ रहा है और इसको बदलने की जरूरत है। वहीं पर गौतम गंभीर ने इन दोनों का जवाब देते हुए स्टार स्पोर्ट के शो पर कहा, जिस हिसाब से आज इंग्लैंड टीम ने खेला है उसको देख के तो ऐसा लगा जैसे कोई 14वीं रैंक की टीम खेल रही हो फर्स्ट रैंक से, और बुरी तरीके से फर्स्ट रैंक की टीम ने पटक दिया और जिस तरीके से इंडिया ने इंग्लैंड को पटका, जहां पर इंडिया की बॉलिंग के सामने तो इंग्लैंड के प्लेयर कहीं भी नहीं टिक पाए, और ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और हमें लगता है कि इस साल वर्ल्ड कप कोई भी नहीं ले पाएगा इंडिया से। वहीं पर उन्होंने पिच को लेकर कहा कि अगर पिच की बात है तो इनिंग जब चेंज होती है तो उस टाइम पर रोलर चलाए जाते हैं और साथ ही जो क्यूरेटर वगैरह रहते हैं जहां पर धप्पे वगैरह लग जाते हैं या दाग वगैरह, वहां पर हल्की बहुत मिट्टी डालते हैं, तो वो केमिकल नहीं केवल मोरम या मिट्टी डाली जाती है। आपको लगता है क्या इंडिया टीम इस साल फाइनल खेलकर वर्ल्ड कप जीतेगी? तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट के लिए।